See, Papa ka contribution is, you see, we are a joint family, so everybody is contributing a lot to what we are and how we all turn out with each other and how we're facing the world. So that contribution is always there. And then he's always shown his full faith in me whenever I've done something. Because mujhe abhi bhi yaad hai, jab main ghal banane gaya tha, toh koi bana nahi raha tha. Nobody wanted to make that film. Nahi, ye picture achhi nahi, kahani achhi nahi, action hai, nahi chalta. So Papa ke paas gaya. Papa ko sunaiye, Papa had faith in me. And said, go ahead, go produce it. Toh unka bas itna kehna mere liye bahut hota hai. Similarly, jab Dil Lagi ki, toh main bola, Papa, main ye karni hai, ho nahi raha, toh main director ban raha hoon. Toh he showed that, ek dafa Papa keh dein, okay, phir मैं चांद पर भी चला जाऊंगा ऐसे। Any advice that he gave you at the time of your launch in Beta, to that you passed on to Karan? See, advice is not, it's not कि आज चलो बैठ जाओ आज को मैं आपको advice दे रहा हूँ इस तरह से तो advice होती नहीं है, you know, it is not so. Come, let me give you a lecture on this. It's nothing like that. It is the environment where we are into again, जैसे मैं बोल रहा हूँ, and definitely शुरू होने से पहले obviously जैसे मैंने करण से पूछा तो तेरे को यकीन है, I mean, are you strong enough to face this world? Because ये दुनिया जो फिल्म की है, जो हमारी ये creative world की है, इसमें मुश्किलें ये होती हैं कि लगता है सब कुछ सिल्वर स्क्रीन पर अच्छा है, लेकिन आगे ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत होती हैं. If you're a doctor, you're an engineer or something, you have a certificate, your profession is set. यहाँ पर every day you have to, every film is a test for you. पता नहीं आज ये सही होगा, कल वो सही होगा. तो if you have got the strength to take that thing and आपको पता है कि आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सब कुछ होगा, तो वहाँ आप दरवाजे अपने कान के बंद कर सकते हो या नहीं कर सकते. तारीफ भी करेंगे तब भी आपको दरवाजे बंद करने होंगे, नहीं तो आप आसमान में छलांगे मारने लग जाओगे. तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कलाकार को आगे बढ़ाने और थोड़ा मुश्किल डालने में, ये चीज़ें होती हैं जो आदमी इंसान अपने आप को काबू कर ले, बस यही कह सकता है आदमी. बाकी तो हर आदमी की हाँ हाँ तो कह देते हैं हम लोग, मैं भी हाँ कह दूँ, हाँ मैं ऐसे करूँगा, लेकिन वक्त आने पर पता चलता है मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. तो दैट इज लाइफ बेसिकली. करण, अभी मैंने आपका हाल ही में इंटरव्यू देखा. सनी सर, 20 साल पहले आपने डायरेक्ट किया था दिल लगी, बहुत उम्मीदें थी, रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन उसके बाद जहाँ मुझे याद है आपने कहा था कि एक बैड ड्रीम, जितना आपने सोचा था कि सक्सेस होगी वो फिल्म उतनी हो नहीं पाई थी, तो वो उस एक्सपीरियंस को आपने इस फिल्म में इस्तेमाल किया, किस तरीके का? नहीं देखिए, क्या है, बनाते हैं उस वक्त तो हमें नहीं, ये नहीं यकीन, हम ये नहीं मानते कि शायद नहीं लोगों को अच्छी लगेगी और चलेगी नहीं, बिकॉज आप एक बिलीव के साथ जाते हो, वो आप डरते हुए आगे नहीं बढ़ सकते. वो ना चले, चले ना चले, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ना हम उसके बारे में ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं. तो वो तो रहेगा और हर फिल्म के साथ रहेगा, जो भी मैं बनाना चाहूँगा होगा. बट मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जब भी हम फिल्म बनाते हैं, जब हमने सही की है. बॉक्स ऑफिस इज नॉट, इज डेफिनेटली वांट बॉक्स ऑफिस टू बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज यू पुट इन सो मच ऑफ फंड्स एंड ऑल, ताकि आगे और सक्सेस के साथ आपको और बैकिंग मिलती है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज, जो भी पिक्चर मैंने बनाई, डिड इट रीच आउट टू द सेक्टर ऑफ पीपल हु वर हुम इट वाज मेड, एंड डिड दे एंजॉय इट, एंड दैट फीडबैक यू गेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, जो अभी बिकॉज ऑफ डिजिटल तुरंत पता चल जाता है, और फॉर्मेट्स इतने हैं आजकल कि कहीं ना तो कहीं आपकी पिक्चर चल रही होती है. तो आई ऑलवेज फील दैट मेक अ फिल्म, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द सेलुलॉइड, आइदर ऑन द सेलुलॉइड और ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्लोटिंग अराउंड. सो योर क्रिएटिविटी इज गोइंग टू बी देयर, एंड इट माइट टच सम पीपल, इट माइट नॉट टच सम पीपल. सो यू कैन नॉट हैव अ, समटाइम यू हैव अ बॉक्स ऑफिस हिट, बट द फिल्म इज बुलशिट. बट the so for me the success factor is basically your own journey and your own satisfaction as an actor, as a director, as a producer, and then definitely are we reaching out, and then jab bahar jate hain logon se milte hain to wahan mein actual pata chalta hai ki how they connecting with you, because they connecting with you is because of your work, not for any other reason. करण, अभी हाल ही में मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने बताया था कि आप एक गेमिंग लवर हैं, फीफा, और अभी नेक्स्ट जन कंसोल प्लेस्टेशन 5 भी रिलीज होने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो अपकमिंग गेम्स में द लास्ट ऑफ अस 2 है, गोस्ट ऑफ सुशीमा, बहुत तरह की गेम्स हैं, तो आप अपकमिंग गेम्स कौन सी है जिसके लिए आप एक्साइटेड है? मैं अभी इंडिया में गेमिंग कल्चर बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? India, I think it's growing now slowly with PUBG on the mobile. I play that whenever I get free, and Gears of War 5 I just bought for the Xbox One X. That's the new game I was playing right now before I came. Borderlands 3 is also out, so it's an exciting time. And in my past time when I'm free to relax, I'll sit it
play games and I'll put on nice question actually. No one's actually asked me that, so I'm feeling good about it. Last of Us PlayStation pe kheli thi. Abhi the sequel is gonna come out on E3. They showed the trailer, so that's also looking. It's nice. It's like a cinematic game almost. It's like you're playing through a movie. नहीं नहीं कहीं नहीं है।